तो मैं सोच रहा हूँ अपनी नई नई गाड़ियों को थोड़ा सर्विस पे दिया जाए यार मेरी बुगाटी यार ज्यादा चमक नहीं रही है आज लॉस सेंटोस के आसमान में 500 बिलियन डॉलर्स उड़ाने वाला हूँ बहुत मजा आने वाला है एवी पे कौन से पाँच बिलियन बढ़ा रहे हैं मुझे भी बता दो ए, में। एवी पे उठ जाओ उठ जाओ क्या उठ जाओ अरे मैं सपना देख रहा था क्या यार अभी सिंचर कितना मस्त सपना था मैं पाँच सौ बिलियन डॉलर उड़ाने वाला था लॉस सेंटोस में hey वेकी, अपने पाँच सौ रूपए भी नहीं खाना खाने के लिए पाँच सौ बिलियन डॉलर उड़ाने निकल गए अरे यार मेरे सपने में मैं तो बहुत ज्यादा अमीर था पर ये तो सपना था hey वे, चलो अब काम मांगना शुरू करो अरे हाँ हाँ मुझे पता है यार अपन को काम चाहिए अरे अंकल आपके पास कुछ काम है क्या मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ प्लीज यार मुझे काम दे दो मुझे खाना चाहिए प्लीज यार दे दो दे दो अरे मैं तो खुद गरीब हूँ अरे आपके कपड़े और जूते पहनने के तो पैसे है ना आप जहाँ पे काम करते हो वहां पे बता दो गाड़ी चलाना आती है चलो मेरे साथ। अरे सर, मुझे मजा आएगा चलो चलो अरे जल्दी चलो टाइम होने वाला है हाँ चलो चलो तो है सर अभी हम आ चुके टैक्सी स्टैंड पर हमें पता चला की यहाँ पे इनको ड्राइवर की जरूरत है तो यहाँ के ओनर से बात कर लेते हैं हेलो सर हेलो सर मैं टैक्सी ड्राइवर बनना चाहता हूँ मुझे सारी गाड़ी चलाना आती है आप कोई भी गाड़ी दे सकते हो आर योर क्वालिफिकेशन टैक्सी टैक्सी ओ आई सी यू बी ड्राइवर या 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 ड्राइवर ड्राइवर आई ड्राइवर आज तू ड्राइवर बनना चाहता है तो मेरी बात सुन ले अरे तुम तो इंग्लिश में बात कर रहे थे ना अरे इंग्लिश तो गई पहाड़ में मैं तो ऐसे ही बोल रहा था मेरी बात सुनो मैं तुम्हें इतनी महंगी टैक्सी नहीं दे सकता चलाने के लिए जो क्यूँकी जितने की ये टैक्सी है उसमें तुम्हारा का पूरा घर जाएगा ये वाली टैक्सी तुम चला सकते हो क्या ये वाली टैक्सी अरे ये तो बहुत अजीब है चला नहीं, तो चलाओ वरना निकल जाओ यहाँ से अरे नहीं नहीं चलानी चलानी है अगर इस तुम टैक्सी में अच्छा काम करोगे तो चलो निकले ऐसे अरे ठीक है ठीक है अभी हमें ये टैक्सी मिल चुकी है छोटी वाली मतलब ये रिक्शा है है कुछ तो है इसमें जाकर हमको सारे पैसेंजरों पैसेंजर उठाना पड़ेगा उनको अपने घर पे छोड़ना पड़ेगा जहाँ पे भी उनको जाना पड़ेगा और अगर मैं ढंग से काम करूंगा तो मुझे बड़ी वाली टैक्सी मिलेगी तो फटाफट से इसको लेके चलते अपना पहला कस्टमर ढूंढते तो इस जॉब पे आज मेरा पहला दिन है तो फटाफट जाके यार गुड लक फ्रैंकलिन कमेंट कर दो अरे यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं मिल रहा कोई तो मिल जाओ अरे आंटी मेरी आंटी आंटी चलो चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ अरे मुझे घर नहीं जाना अरे जहाँ जाना छोड़ दूंगा बैठो तो सरी अरे क्या ये जबरदस्ती है जबर अरे चलो सरी तो तो सरी अभी ना आंटी को मैंने बिठा लिया अपनी ऑटो में फटाफट से इनको लेके चलते आंटी, आंटी आपको वैसे जाना कहाँ पे अरे बेटा मुझे क्या पता है तुमने तो बिठाया मेरे को अच्छा ठीक है मैं कहीं पे पे छोड़ देता हूँ आपको लो आंटी आपके पाँच सौ रूपए हो गए ये बीस रूपए क्या बीस रूपए चलो ठीक है मैं कुछ बोलना नहीं चाहता पे बहुत सारी आंटी खड़ी थी मेरे को लग रहा था वो मेरे को मिलके मारने वाली है पर कोई

हाँ हेलो कहा है हाँ ठीक है ठीक है बीच के बस अरे अभी, के अभी आता हूँ अरे दो मिनट में आता हूँ तो कई सर फटाफट फड़ से हमारे कस्टमर का कॉल आया था फटाफट फड़ से लेके चलते अपनी टैक्सी को अभी पे चीट बोल रहे थे इनको बस ने अभी तक नई टैक्सी दी नहीं है अबे ना क्यों बता रहे अरे नहीं नहीं, नहीं मैंने डिसाइड किया है की कि जिस रिक्शा में मैंने चालू किया था उसी में मैं खत्म करूंगा तो चलो फटाफट से अपने कस्टमर को लेने चलते हैं मुझे राज से शादी करनी है नहीं बेटा मैं तुझे उस गरीब से शादी नहीं करने दूंगा मैं तेरी शादी कम्बानियों से कराऊंगा वो बहुत अच्छे हैं। नहीं मुझे सिर्फ राज पसंद है। मुझे उससे शादी करनी है वरना मैं मर नहीं बेटा, तू कुछ नहीं कर सकती तेरी शादी सिर्फ कम्बानियों से होगी मैं चाह रही हूँ मुझे बेटी तो यही की मुझे लोकेशन मिली चलो फटाफट से अरे अंकल मैं आ गया बताओ कहाँ जाना है अरे बेटा, बेटा 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 जल्दी करो अरे कहा बताओ कहाँ चलना जल्दी बताओ ना अरे बेटा मेरी बेटी पानी में गिर गई उसको बचा लो क्या पानी में गिर गई अरे मछली है क्या अरे बेटा जल्दी बचा लो वो मर जाएगी क्या मर जाएगी अरे अंकल पानी से मुझे डर लगता है पर कोई बात नहीं आ रहा हूँ मैं अरे फटाफट चलते अरे कहा अंकल की बेटी अरे वो बेटी नहीं मतलब बेटी नहीं दीदी ओ दीदी कहाँ पे हो अरे यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा रुक जाओ मुझे दिख गई अरे ये क्या अरे यहाँ पे लगता है मर है। इसको मुझे फटाफट से उठाना पड़ेगा चलो इसको ऊपर लेके चलते अरे दीदी उठ जाओ ओ दीदी दीदी उठ जाओ यार अरे इसको ऊपर लेके चलना पड़ेगा फटाफट से अंकल आप टेंशन मत लो आपकी दीदी को मतलब बेटी बेटी को को मैं मैं लेके आ रहा हूं। अंकल ये लो मैं आपकी बेटी को ले आया अरे जल्दी हॉस्पिटल में फोन करो अरे डॉक्टर मेरी बात सुन ले अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ पूरे हॉस्पिटल को चला दूंगा सर आप टेंशन मत लीजिए हम आपकी बेटी को बचा लेंगे एम्बुलेंसेंसी अरे अंकल आप टेंशन मतलब आपकी बेटी बच जाएगी अरे बेटा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे के सारे बॉडी गार्ड दल ले कोई भी उनको बचाने के लिए नहीं कूदा अगर तू नहीं आता तो मेरी बेटी बचती नहीं अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं बता तुझे क्या चाहिए क्या चाहिए तुझे कितनी चाहिए अरे मुझे कोई नहीं चाहिए अरे तुझे क्या चाहिए पैसा चाहिए घर चाहिए बंगला चाहिए अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए आपको जाना कहा था टैक्सी में वो बताओ मैं को कहीं नहीं जाना पर मैं तुझे जन्नत जरूर लेके जाऊंगा फटाफट से गाड़ी निकाल आज से तू टैक्सी की जॉब नहीं करेगा अरे पर मेरी टैक्सी अरे वो बॉडी गार्ड देख लेगी बॉडी गार्ड इसकी टैक्सी लेना अरे पर का है? अरे तुम चलो तो सर मेरे साथ अभी थोड़े दिनों पहले मैंने तीन सौ मिलियन डॉलर का एक अपार्टमेंट लिया था और मैं सोच रहा हूँ मैं वो तुम्हें दे दू क्या तीन सौ मिलियन डॉलर का अपार्टमेंट हाँ चलो चलो दिखाता हूँ तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे नए नए 300 मिलियन डॉलर के अपार्टमेंट में क्या मेरा अरे थैंक यू अंकल अरे गाइस यार 300 मिलियन डॉलर का अपार्टमेंट मुझे दे दिया कितना बड़ा किचन है ये तो बहुत ही खतरनाक है अरे गाइस यार ये घर तो बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है नीचे एक और फ्लोर है यहाँ पे क्या बेडरूम अरे इतना बड़ा बेड तो मैंने आज तक नहीं देखा था मैं तो जमीन पे सोता था इतने दिनों से और गाइस यार यहाँ पे देखो कितने सारे कपड़े पड़े इसमें से मैं तो कपड़े ले ही लूंगा पक्का चुरा लूंगा गाइजर इधर चलते हैं और ये क्या? इतना बड़ा बाथरूम अभी जिस घर में मैं रहता हूँ ना वो इतना ही बड़ा है और यहाँ पे पंद्रह जने रहते हैं और ये सिर्फ बाथरूम है वो भी सिर्फ मेरे अकेले के लिए और आप को भी बताना पड़ेगा इतनी बड़ी न्यूज चलो चलो और देखते हैं कितनी मस्त बालकनी है और कैसे नीचे एक और फिर मुझे दिखाता चलो देखते हैं नीचे वाले फ्लोर में क्या है भाई तीन तीन फ्लोर का घर है ये तो बहुत ज्यादा मस्त है भाई कितनी मस्त मस्त पेंटिंग लगी हुई है इतनी सारी बिक्स और यहाँ पे कौन सा रूम है बेडरूम तो ऊपर था बाथरूम भी ऊपर था किचन भी ऊपर था इधर क्या है और ये क्या कंप्यूटर गेमिंग रूम अरे ये तो बहुत खतरनाक है ये क्या इतने सारे पैसे अरे ये क्या है अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है इतने सारे पैसे तो मैंने कभी नहीं देखे थे अरे उन अंकल ने तो मुझे बहुत ही बड़ा सरप्राइज दे दिया इतने सारे पैसे इनसे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ये तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं मुझे अरे अंकल बहुत बहुत शुक्रिया बेटा ये तो कुछ भी नहीं है तुमने मेरी बेटी को बचाया अगर और पैसे चाहिए हो तो बुला देना अरे आप पक्का आपको ही बुलाऊंगा तो कह सर यहाँ पे गैराज भी है जो कि हमारे अपार्टमेंट के जस्ट नीचे और यहाँ पे देख सो तो कितनी तगड़ी तगड़ी गाड़ी पहले से ही खड़ी है पहले से हमारी गाड़िया है यार ये तो बहुत ही खतरनाक है और यहाँ पे एक मैकेनिक भी खड़ा है अभी ये क्या कर रहा है यहाँ पे अरे सर मैं आपकी गाड़ी बना रहा हूँ क्या मेरी गाड़ी हाँ सर कस्टमाइज गाड़ी वो भी सिर्फ आपके लिए क्या अरे ये गाड़ी तो बहुत ही खतरनाक है अरे सर बैठ के देखिए बैठ के देखिए अरे यार रुको रुको अरे सर ये क्या तगड़ी गाड़ी है इसमें तो लाइट वाइटें लगी हुई है पीछे मिनियंस भी लगी हुए ये तो बहुत ही मस्त है का सर अभी मैं इसको नीचे लेके आ चुका हूँ और ये कितनी ज्यादा तेज चल रही है अरे यार ये मेरा मैकेनिक तो बहुत ही खतरनाक निकला कितनी तगड़ी गाड़ी बनाई है इसने तो अभी मैं वहाँ पे आ चुका जहाँ पहले काम करता था और मैंने सोच लिया इस पूरे के पूरे टैक्सी स्टैंड को मैं खरीदने वाला और अंकल क्या लेकिन hey no uh, क्या अरे Franklin, मैं बोल रहा हूँ दिनों से पे थे? अरे वो सब छोड़ मैं इस टैक्सी स्टैंड को खरीदने वाला हूँ क्या टैक्सी स्टैंड को खरीदने वाले हूं? कैसे क्यों? क्या अरे रुको रुको मुझे पैसे निकालने दो ये लो क्या ये तो बहुत सारे पैसे तो सर अभी ये टैक्सी स्टैंड मैंने खरीद लिया क्योंकि यहाँ से मैंने शुरुआत करी थी इसलिए मैं पूरा पूरा टैक्सी स्टैंड ही खरीदिया और इसको इतने सारे पैसे दे दिए अरे कई सर जब से फैंकी भाई के पास इतने सारे पैसे आ गए मेरे तो मजे ही हो गए क्योंकि पहले मैं सिर्फ नाना को दीदी के साथ घूमता था अब तो मैं बहुत सारी दीदी के साथ घूम रहा हूँ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इतनी सारी दीदी के साथ मैं घूमता हूँ डांस करता हूँ और बहुत सारा खाना खाता हूँ बहुत मजा आता है और कई सर हम एक्शन कामीन भी देखते हैं साथ में और चाको भी, भी खाते ये देख रहे है ये देखिए दीदी पूरा टाइम डांस करती रहती है क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए डांस करती है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है अभी मुझे पता चला है की फैंकी भैया नया मैंशन खरीदने वाले इसलिए मैं जाना रहा हूँ फैंकी भाई के पास हमारा नया नया खेल देखते हैं चलो चलो पटाए से चलते फैंकी बिया के पास और ये मैंने बढ़िया वाली गाड़ी भी खरीद ली ये बहुत ही खतरा के फैंकी बिया आरोम ओए फ्रैंकलिन ये देख ये तो मैं जीतूंगा अगर ये वाला तू ना अगर इसमें गोल डाला इतना मारूंगा ना कब से यार गोल करे जा रहा है मेरा एक बॉल उसके अंदर गई नहीं है फिर से चली गई ओए फ्रैंकलिन चल तू मेरे सामने बच्चा है निकल ले निकलने अबे तू कर क्या रहा है मेरा एक बॉल नहीं गई इसकी सारी की सारी बॉल चली गई इधर तेरे को बताता हूँ ओए फ्रैंकलिन ये क्या कर रहा है अभी तेरे को बताता हूँ कब से मेरे साथ चीटिंग कर रहा है इसने पांच बार बॉल यार उसमें डाल दी मेरी एक बॉल नहीं जा रही जब भी मारू या तो फोर जाता है तो सिक्स लग जाता है अरे हेलीकॉप्टर

Hola तो गए सर अभी हम जाने वाले हमारे सुपर हीरो के मैंशन में अगर आप अभी तक नहीं समझे तो क्या कर रहे हो यार देखो ये तो रास्ता भी हम यहाँ पे आ चुके हैं जल्दी जल्दी कमेंट कर दो किसका मैं और जी हाँ हम आ चुके हैं एवेंजर्स मैंशन पे जी हाँ मैंने ये पूरा का पूरा एवेंजर्स मैंशन खरीद लिया क्योंकि शिनचैन को आयरन पसंद है मुझे स्पाइडरमैन पसंद है और आपको क्या क्या पसंद है फटाफट से कमेंट करके बता देना और हमने पूरा का पूरा एवेंजर्स मैंशन खरीद लिया तो फटाफट अपनी जी जीप वैगन को गाड़ी पार्क लगा देते हैं और यहाँ पे देख आयरन मैन के बहुत सारे सूट भी

ये अपना पहला स्विमिंग पूल है चलो फटाफट बड़ से बाहर चलते है यहाँ से ये अपना जिम तो आपने देख ही लिया और यहाँ से चलते हैं अपन बाहर और यहाँ पे छोटा सा बाथरूम भी हमने बना रखा कपड़े चेंज करने के लिए पर अभी हमें कोई कपड़े चेंज नहीं करने यहाँ पे बड़ा सा टेडी बियर है चैन के लिए और यहाँ पे मस्त मस्त सोफा लगा बड़े बड़े ताकि सबके साथ मीटिंग कर सके वैसे तो यहाँ पे एवेंजर्स अभी है नहीं पर हम ही मीटिंग कर लेंगे कोई बात नहीं यहाँ पे बड़ा सा प्याोन लगा हुआ है क्रिसमस ट्री लगा हुआ है क्रिसमस ट्री वैसे चला गया अभी तो होली आने वाली है होली का ट्री लगाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पर बहुत सारे जूस वूस पड़े सिर्फ जूस ही

मजे से और पे मतलब सिटिंग एरिया यहाँ पे मजे कर सकते हैं और आयरन मैन की हमने फोटोज लगा रखी है ने मेरे को तो स्पाइडर मैन ज्यादा पसंद है और हल्क भी बहुत पसंद है आयरन मैन भी ऐसे पसंद तो है तो ये था हमारा बाथरूम अभी हम आ चुके हमारे मेन बेडरूम में, में जहाँ पे एक और बढ़िया तगड़ा वाला बाथरूम है और यहाँ पे ये रहा हमारा बेडरूम जहाँ पे अपना कंप्यूटर पड़ा है और ये सामने बढ़िया सा बेड और सामने ओशन का व्यू आता है बहुत ही बढ़िया सा और सामने बड़ी सी एवेंजर्स की टीवी भी है और यहाँ पे सारे सारे हमारे कपड़े पड़े तो यहाँ पे अभी

तक के लिए बाय बाय